हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसकी प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है तो उनको आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। उसी के साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है आपको कि मैंने एक लेक्चर डिस्कस किया था स्टेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड, वो था आपका राव हर्विट्स क्राइटेरियन। ठीक है, उसमें हमने डिटेल से बात की थी कि किसी भी आपके क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर आपका कोई क्लोज लूप सिस्टम है, यानी कि इस तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका सी एस है, ये आर एस है, यानी कि इनपुट और आउटपुट, और ये आपका फीडबैक पाथ है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका सी एस अपॉन आर एस या ट्रांसफ़र फंक्शन होता है क्लोज लूप सिस्टम का, वो उसको हम डिनोट करते हैं जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस से। और यहाँ से हम कैलकुलेट करते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको हम लिखते थे वन प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते थे, रूट्स, यानी कि जो ये इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स को हम कैलकुलेट करते थे। अगर आपने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको चैनल प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम उसके रूट्स यहाँ से कैलकुलेट करते थे। तो स्टेबिलिटी के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो हमेशा आपके लाई करने चाहिए कहाँ पर, लेफ्ट हाफ एस प्लेन में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सिस्टम आपका स्टेबल तभी होगा जबकि इस इक्वेशन के सभी रूट्स लेफ्ट हाफ एस प्लेन में लाई करें, ये मैंने आपको बताया था। अब आप यहाँ पर समझें कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में और राउत हर्विट्ज क्राइटेरियन में एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यानी कि जी एस एच एस को कंसिडर करेंगे इंस्टीड ऑफ क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपको और आगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप यहाँ पे समझ लें कि हम यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस एच एस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो नाइक्विस्ट क्राइटेरियन आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज़ को, प्रेजेंस ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी कंट्रोल सिस्टम की इन अ स्पेसिफाइड रीजन ऑफ एस प्लेन, यानी कि किसी भी एस प्लेन में हम ये देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपकी उसके रूट्स आपके लेफ्ट हाफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं या फिर आपके राइट हाफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब आपको ध्यान में ये भी रखना है कि ये हो सकता है कि जो पोल्स एंड जीरोज हैं किसके, जी एस एच एस के, यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स एंड जीरोज हैं वो ये हो सकता है कि वो राइट हाफ एस प्लेन में लाई करें, लेकिन सिस्टम आपका स्टेबल तभी होगा जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इसके सभी रूट आपके लेफ्ट हाफ एस प्लेन में लाई करने चाहिए, तभी स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आई होप कि क्लियर आपको हुआ होगा। तो अब आप यहाँ पर समझ लें कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन जो है वो बेसिकली डिटरमाइन करता है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम फ्रॉम इट्स ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड ओपन लूप पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी किससे पता लगाएंगे, हम ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और ओपन लूप पोल्स से। वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है वो बेसिकली रिलेट करता है आपके ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है, क्या है वो, आपकी जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को किसके साथ में, नंबर टू द नंबर ऑफ जीरोज एंड पोल्स ऑफ
ये क्वेश्चन थी आपकी, इसके साथ में जो कि लाई करते हैं आपके राइट हाफ एस प्लेन में, समझ गए? यानी कि जो आपका नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है वो सिंपली आपका जो ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसको रिलेट करता है नंबर ऑफ जीरोज एंड पोल्स ऑफ वन प्लस जी एस एच एस के साथ जो कि लाई करते हैं आपके राइट हाफ एस प्लेन में. ये रिलेशन है आपका, यानी कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन का आपका सिंपल यही वर्क है. और ये जो क्राइटेरियन था ये साइंटिस्ट थे एच नाइक्विस्ट, इन्होंने दिया था. ये इसलिए दिया था कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का हम पता लगा सकें किसी भी क्लोज लूप सिस्टम की. यानी कि इसमें सिंपली आपको जितने भी आपके क्लोज लूप पोल्स वगैरह हैं उनको डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है, ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है उसको देख कर भी बता सकते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा या नहीं होगा. जैसे आपने जो लोकस वगैरह ड्रॉ किए थे पोलर प्लॉट में, तो उसी तरीके के यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से आपका नाइक्विस्ट प्लॉट जो है, पोलर प्लॉट का ही आपका एक्सटेंशन है, तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा. फिलहाल ये आप समझ लीजिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. इसमें एक और अब चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि अगर ओपन लूप फ्रिक्वेंसी सॉरी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है यानी कि जी एस एच एस, अगर उसके के पोल्स हैं, ठीक है, समझते जाइए इस चीज़ को, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये, कि अगर कोई आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी एस एच एस और उसके के पोल्स हैं वे, लेकिन लाई कहाँ पर कर रहे हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है, वो है राइट हाफ एस प्लेन में. इसी के भी रिलेट करेगा ये, मैंने आपको बताया भी है कि अगर कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपका जी एस एच एस, उसके के पोल्स हैं राइट हाफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं, और एक कंडीशन है कि लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एस एच एस, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है कुछ भी, इसका मतलब क्या है, सिंपली कुछ नहीं है ये, इसका मतलब है कि कोई भी प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम है. डिटेल में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको तो ये समझ लीजिए कि जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं आप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, वो आपको पता है वो पॉलिनोमियल होते हैं एस में, तो वहाँ पर आपको ध्यान ये रखते हैं आप कि जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर्स है वो ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमिरेटर से, ठीक है, ये आपको पता है कि मैंने कई लेक्चर्स में बताया है. तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका प्रैक्टिकली रिलाइजेबल सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपका जी एस एच एस, उसके के पोल से जो राइट हाफ एस प्लेन में लाई करते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा लोकस की, जबकि ओमेगा आपका वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. पोलर प्लॉट्स के केस में आपने देखा था वो था जीरो टू इन्फिनिटी भी लाई कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो भी होता है, यानी कि एक मिरर इमेज होती है आपकी जीरो टू इन्फिनिटी की, ठीक है. तो अगर कोई आपका लोकस है जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, जबकि ओमेगा वेरी कर रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये स्टेबल तभी होगा, एक ही कंडीशन है कि अगर ये जो आपका लोकस है ये माइनस वन प्लस जे ओटा जीरो को एन सर्किल करे कितनी बार, के टाइम्स, और डायरेक्शन क्या हो, सी सी डब्ल्यू काउंटर क्लॉकवाइज. सम अप कर देता हूँ मैं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी में ही आपका पूरा नाइक्विस्ट क्राइटेरियन छुपा हुआ है. मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी एस एच एस, उसके के पोल्स हैं, लेकिन वो लाई कहाँ करते हैं, राइट हाफ एस प्लेन में, ठीक है, और आपने लोकस ड्रॉ किया है जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, जबकि ओमेगा आपका वेरी कर रहा है यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो लोकस है ये आपका इस पॉइंट को यानी कि माइनस वन प्लस जेटा जीरो को एनसर्किल करना चाहिए कितनी बार, के टाइम्स, यानी कि जितने पोल्स थे उतनी बार ही एनसर्किल करना चाहिए, किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज. उससे क्या होगा, तभी आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, यही एक कंडीशन है सिस्टम को स्टेबल करने की. आगे मैं आपको बताया था हम उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो जो नाइक्विस्ट क्राइटेरियन है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम z इज इक्वल टू एन प्लस पी से. यहां पर z इज इक्वल टू एन प्लस पी क्या है, z क्या है आपका नंबर ऑफ जीरोज हैं वन प्लस जी एस एच एस के इन द राइट हाफ एस प्लेन, ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट, ध्यान रखना है क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट है ये, ऑफ द माइनस वन प्लस जियोटा जीरो पॉइंट जिसके बारे में मैंने पीछे बात की है. पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जी एस एच एस इन द राइट हाफ एस प्लेन, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, ये आपका कई जगह काम आएगा. तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर आप सपोज कीजिए पी जो है वो आपका जीरो नहीं है, यानी कि जो राइट हाफ एस प्लेन में पोल्स कोई ना कोई लाई करता है,
ठीक है, तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा कब, अगर आपका जेड जीरो हो तो ही सिस्टम स्टेबल होगा, और उस केस में अगर आपका यहाँ पर जेड जीरो हो गया है तो ये हो जाएगा एन प्लस पी, जबकि पी कुछ वैल्यू है, तो एन इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस पी। ठीक है, माइनस पी का मतलब क्या हो गया कि पी काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट्स होंगे आपके माइनस वन प्लस जियोटा जीरो, जो आपका पॉइंट है इसके, मतलब अगर एन इज इक्वल टू पी आता तो पी का मतलब क्या है आपका सिंपल क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट है, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट्स होंगे इस पॉइंट के माइनस वन प्लस जीरो डॉट जीरो के। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए इसमें। उसी के साथ साथ आप ये समझ लीजिए, अगर जीएसएचएस का कोई भी पोल नहीं है राइट हाफ एस प्लेन में, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी पोल नहीं है आपका राइट हाफ एस प्लेन में तो उस कंडीशन में पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से जेड इज इक्वल टू एन प्लस पी था आपका, तो पी जीरो है तो जेड इज इक्वल टू एन हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी के लिए आपका कोई भी एनसर्कलमेंट नहीं होना चाहिए माइनस वन प्लस जियोटा जीरो पॉइंट के लिए। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है इस तरीके के सिस्टम्स की, उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम देख लें कि माइनस वन प्लस जियोटा जीरो जो है पॉइंट, वो आपका एनक्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है या नहीं बाय नाइक्विस्ट प्लॉट। जैसे आप सिंपली, मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, पोलर प्लॉट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो आप यहाँ पर देखिए ये माइनस वन प्लस जियोटा जीरो, आप कह सकते हैं माइनस वन है और ये आपका कोई पोलर प्लॉट है, ये इसका इनर एरिया है और इसका पता तो आपको, उसको कहते हैं हम इमेजिनरी और ये रियल है, ये जी एच प्लेन है आपका। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो माइनस वन प्लस जियोटा जीरो पॉइंट जो है वो शेडेड रीजन के बाहर है, ठीक है, तो सिस्टम अल्टीमेटली आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी कि आपने सिर्फ जो आपका कर्व है फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये आपको देख के आपने इसको बता दिया है कि सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है, बिना आपने मतलब पूरे इक्वेशन के रूट्स वगैरह फाइंड किए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप, आगे मैं एग्जांपल दूंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप एग्जामिन करेंगे स्टेबिलिटी किसी भी लीनियर कंट्रोल सिस्टम की यूजिंग नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, तो वहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज आपकी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि कोई भी एनसर्किलमेंट नहीं होगा माइनस वन प्लस जियोटा जीरो पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा कब, यदि कोई भी पोल जी एस एच एस का राइट हाफ एस प्लेन में ना हो, ठीक है, अदरवाइज सिस्टम आपका स्टेबल होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपली जो मैंने बातें आपको पिछले क्लियर की हैं, जेड इज इक्वल टू वैल्यू रख के या पी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू रख के, तो उन्हीं से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। और अगर आपका एक काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट है, एक काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट है किसका, माइनस वन प्लस जियोटा जीरो पॉइंट का, तो स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ सी सी डब्ल्यू एनसर्किलमेंट जो है वो सेम होने चाहिए नंबर ऑफ पोल्स के। ये मैंने आपको बताया था ना एन इज इक्वल टू माइनस पी से, तो वही एक ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो सी सी डब्ल्यू एनसर्किलमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जी एस एच एस इन दी राइट हाफ एस प्लेन, उसके इक्वल होंगे तभी आपका सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि वन क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट हो माइनस वन प्लस जियोटा जीरो पॉइंट में, इस केस में सिस्टम आपका हमेशा ही अनस्टेबल होगा। तो ये तीनों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, इन्हीं से ही आप आगे बता सकते हैं सिर्फ लोकस को देख के कि कोई सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है। तो आई होप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो सपोज कीजिए मुझे डिटरमाइन करनी है स्टेबिलिटी जी एच एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक
इसकी स्टेबिलिटी मुझे डिटरमाइन करनी है। अब आप ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको ये दे दिया जाए जी एच एस इज इक्वल टू 1/s+1। वहाँ पर आपको जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, लेकिन हमने पोलर प्लॉट को पढ़ा है इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब आपने अगर वो लेक्चर ध्यान से देखा है तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता था 1/(1+s) के लिए आप किस तरीके से ड्रॉ करते थे, तो वो इस तरीके से ड्रॉ करते थे। आपको पता है यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता था और ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आपकी 1 आती थी। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया, और माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए मैंने आपको बताया था मिरर इमेज ले लेंगे हम। ठीक है, यानी कि ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो आपका जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो इस तरीके से आपका होगा। तो आप देखेंगे तो -1+j0 पॉइंट जो है वो इधर है, तो ये जो आपका पूरा कर्व है या जो पूरा प्लॉट है ये एनसर्किल कर ही नहीं रहा है इसको, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है और आपका प्लॉट देखेंगे तो इस साइड में आ रहा है। ठीक है, अगर एनसर्किलमेंट नहीं है -1, 0 पॉइंट पर, इसका मतलब क्या हुआ, एन इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ से देख के आप बता सकते हैं कि पी इज इक्वल टू भी 0 है, यानी कि कोई भी पोल आपका राइट हाफ एस प्लेन में लाई नहीं करता है, क्योंकि एस इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हैं। तो अगर आपका एन इज इक्वल टू भी 0 है, पी इज इक्वल टू भी 0 है, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू भी 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम आपका स्टेबल है। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप देख रहे हैं अगर आपने पोलर प्लॉट पढ़ा हुआ है तो कितना आसान हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कवर करना। दूसरा एग्जांपल एक और दे देता हूँ आपको मैं, कि इसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, कि अगर ये है आपका जी एच एस इज इक्वल टू 1/(s)(s+1). अभी तक आपने s+1 का देखा है और मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर में s से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उस केस में मैंने आपको बताया था कि सिंपल अभी देखा है आपने 1+s या s+1 का इस तरीके से था, और जब आप ड्रॉ करेंगे s s+1 का, तो मैंने बताया था आपको कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका बाय 1 क्वाड्रेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस तरीके से आपको कर्व मिलेगा। ठीक है ना, अब मैंने आपको ये भी बताया है कि ये हमने लिख दिया है 0 टू इन्फिनिटी के लिए, लेकिन अब -∞ टू 0 के लिए भी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका इमेजिनरी है और ये रियल है। तो जो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी प्लॉट होगा इसका, वो आपको किस तरीके से मिलेगा, तो वो आपको सिंपली ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी प्लॉट। तो अब यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। एग्जाम में जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने पहले बताया है आपको, सिंपली ये प्लॉट दिया हुआ होगा और पूछेगा कि ये स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एन इज इक्वल टू 0 है। एन इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, -1, और 0 का इनसर्किलमेंट जो है वो 0 है। उसी के साथ साथ अगर एन इज आपका 0 है तो पी भी आपका 0 है, क्योंकि कोई भी पोल आपका राइट हाफ एस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, तो जेड भी 0 है, तो सिस्टम जो है आपका स्टेबल है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए आपको है दिया हुआ ये जे एस इज इक्वल टू 1/(s)(s-1). ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे तो पी इज इक्वल टू 1 है, यानी कि एक पोल जो है वो आपका राइट हाफ एस प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि s-1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1 हो गया, तो राइट हाफ एस प्लेन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू आपकी 1 है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप इसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो सिंपली s-1 के लिए ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा आपको, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इमेजिनरी और ये रियल, और एस की इसमें मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है, तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देंगे इस कर्व को, तो सिंपल आपको इस तरीके से मिल जाएगा कर्व। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मिरर इमेज भी ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कर्व जो है आपको किस तरीके से मिल जाएगा।
इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो n इज इक्वल टू भी 1 है आपका। n इज इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि -1 प्लस जीरोटा जीरो पॉइंट, जो पॉइंट है इसको आपका एक बार n सर्किल कर रहा है ये, ठीक है। तो n इज इक्वल टू भी 1 है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और p इज इक्वल टू भी आपका 1 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको z इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम आपका अनस्टेबल है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपने देखा है कि हम सिर्फ कर्व को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, ना ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, पता लगता है आपको लेक्चर पसंद आ रहा है नहीं। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को हमारे लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप सर्किल पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।